जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों तो दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली कई मेरे को कमेंट आते हैं कि सर कितनी ड्यूटी लगती है, चाहे लड़कों हो चाहे लड़की हो, कितनी ड्यूटी आती है, चाहे CRPF, BSF, ITBP, असम राइफल, इनमें कितने घंटे की ड्यूटी होती है और कितने घंटे का रेस्ट होता है और आपको कितना रेस्ट मिलता है दोस्तों, कि हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत सारे जो मेरे छोटे भाई हैं उनको यही टेंशन है, क्योंकि सभी की इच्छा होती है कि एक जॉब मिलने के बाद में संतुष्ट नहीं होते कोई भी, ये स्तर मानते हैं कि अभी जो मिला हमको ये पहला स्तर है, अभी और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर जो डिपार्टमेंटली असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं कि नहीं बनते, सब इंस्पेक्टर का तो सभी को पता है कि सब इंस्पेक्टर तो बनते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट भी बनते हैं या नहीं बनते। तो मैंने कईयों को रिप्लाई भी किया कि डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देके असिस्टेंट कमांडेंट भी बनते हैं। अब किसको कितना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, चाहे वो कोई सी भी पैरामिलिट्री फोर्स में हो, तो ये बहुत मेरे छोटे भाइयों के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज का मैं वीडियो स्पेशल इस पर बनाता हूँ कि कितना टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए, और साथ में मैं अपनी दैनिक दिनचर्या बताऊंगा, तो आप खुद बताना उसमें मेरे को कितना टाइम मिल जाता है, आप इतने टाइम में कितना पढ़ सकते हो या आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों जो नॉर्मली आपकी जो ड्यूटी, कोई भी जवान जो ड्यूटी करता है वो नॉर्मली 8 घंटे से के आसपास ड्यूटी करता है। कुछ कंडीशन में वो ड्यूटी बढ़ जाती है, जैसे कई बार इलेक्शन ड्यूटी या कुछ 144 जब धारा लगती है जहाँ पर, या जैसे कोरोना के टाइम में कई इलाकों में ड्यूटी बढ़ जाती है, तो वो एक अलग बात है। बाकी नॉर्मली जो परमानेंट जो ड्यूटी चलती है उसमें एक जवान 8 घंटे की ड्यूटी करता है, 8 से ज़्यादा घंटे की ड्यूटी नहीं करता है, 16 घंटे रेस्ट के उसको मिल जाते हैं, उसमें से 2-3 घंटे अदर काम मान लीजिए और 6 घंटे की आपकी नींद काट लीजिए, 8 और 2 10 और 6 16, इसके बाद में आपके 8 घंटा डेली आपके पास, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो दोस्तों, जो जो चीज़ करना चाहे वो कर सकता है। तो मतलब एक जवान को नॉर्मली 16 घंटे की रेस्ट मिलती है, चाहे वो कहीं पे भी ड्यूटी में रहे, उसमें इधर उधर के काम मिला के 2-3 घंटे उनमें, और 6-7 घंटे की अगर आप नींद मान ले तो भी आप 6 से 7 घंटे या 8 घंटा आप पढ़ सकते हो। तो ये सभी फोर्स में इतना टाइम मिलता ही मिलता है दोस्तों आपको पढ़ने के लिए। ये मान के चलिए रेगुलर कम से कम 5 घंटे आप अपने घर में, अपने घर पर बात करके भी 5 घंटे रेगुलर पढ़ सकते हो दोस्तों। तो 5 घंटे डेली पढ़ना बहुत ही बड़ी बात है, कम बात नहीं है, 5 घंटे पढ़ के आप कुछ भी बन सकते हो दोस्तों। अब मैं अपनी दैनिक दिनचर्या अगर मैं बताऊं तो जो मेरी अभी प्रेजेंट टाइम जो दैनिक दिनचर्या चल रही है आपको बता दूं, इसीलिए मेरे को कई बार ये कमेंट बोलते हैं कि सर आप वीडियो बनाते रहते हो आपको इतना टाइम मिल जाता है क्या, आप इतनी वीडियो कब बनाते हो, कैसे बनाते हो, कहाँ आपको इतना टाइम मिलता है, आप ड्यूटी नहीं करते क्या। तो ड्यूटी करते हैं हम, अभी मैं आपको डेली की मेरी दिनचर्या बताएँ। सुबह 5 बजे उठ के फिर रनिंग होती है, 7:30 बजे तक हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसमें डेली 5 किलोमीटर रनिंग, सैटरडे 10 किलोमीटर रनिंग, बाकी फिजिकल अदर एक्सरसाइज चलती रहती है, जैसे BOC, BPT, PPT वेट के साथ, जैसे 5 kg वेट के साथ, राइफल के साथ में 3.2 किलोमीटर रनिंग, ये रेगुलर चलती है। तो ये इसका टाइम है हमारा सुबह 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे। उसके बाद से फिर हम फ्री रहते हैं शाम को 4 बजे तक, इसके बीच में हमारा कोई काम नहीं रहता। तो 4 बजे से फिर वापस हम ग्राउंड में जाते हैं, तो 4 से 5:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटा शाम को 3 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बाद में 1 घंटा गेम, जो गेम खेलना चाहे वो। तो ये हमारा दिन का दैनिक रूटीन रहता है जब नॉर्मल ड्यूटी डेज नहीं होते। तो ये मेरी अभी प्रेजेंट टाइम की दैनिक दिनचर्या, तो दिन में मेरे पास में काफ़ी टाइम रहता है, तो मैं अपनी तैयारी भी करता हूँ, साथ में आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ दोस्तों। एक वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो तो ज़रूर 10 मिनट का होता है, लेकिन उसको सर्च करने के लिए मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, उसके बारे में जानने के लिए, उसकी डिटेल निकालने के लिए या उसके बारे में स्टडी करने के लिए। तो अगर मैं 2 वीडियो एक दिन में बनाता हूँ तो उसमें मेरे 3 से 4 घंटे चले जाते हैं। उसके अलावा जो मेरे पास जो टाइम बचता है उसमें मैं अपनी पढ़ाई भी करता हूँ, तो भी मेरे पास में काफ़ी टाइम बच जाता है दोस्तों। फिर नाइट को हमारी ड्यूटीज नहीं होती है, क्योंकि मैं स्पेशल ड्यूटी है, जब हम ड्यूटी जाते हैं तो आपको पता ही हम आउट ऑफ नेटवर्क एरिया हो जाते हैं, तो सब जगह अलग अलग प्रकार की ड्यूटी होती है, कई जगह रेगुलर ड्यूटी चलती रहती है। जो जिनका रेगुलर ड्यूटी चलती है उनका रिटर्न ये होता है कि उनकी दिन में 4 घंटे की ड्यूटी और नाइट में 4 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके अलावा वो बाकी टाइम खाली रहते हैं, वो अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज का टाइम निकाल दीजिए, उसके अलावा वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा रूटीन रहता है, ड्यूटीज वाले दिनों में मैं आउट ऑफ नेटवर्क एरिया रहते हैं, हम पूरे टाइम ड्यूटी पर रहते हैं 24 घंटे। तो उसके बाद में जब रेस्ट वाले दिनों में, उसमें ये मेरा रनिंग का और फिजिकल एक्सरसाइज के साथ में डेली का रूटीन है। तो अब मेरे से ये क्वेश्चन नहीं करना कि सर आपको कहाँ टाइम मिल जाता है अगर ड्यूटी नहीं करते, जब ड्यूटी करते हैं तब वीडियो नहीं बनाते, और जब वीडियो बनाते हैं तो इसका मतलब उस समय वो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज का ट्रेंड चलता रहता है, तो उसमें हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है फिजिकल एक्सरसाइज की, बाकी दिन हम
फ्री रहते हैं दोस्तों। तो ये हमारे नॉर्मल रूटीन है। और तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको पढ़ाई का बहुत टाइम मिल जाएगा, रेस्ट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि फौज में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता, नहीं, रेस्ट भी मिलता है, आपको पढ़ाई करने का बहुत मौका मिलेगा। जो जितना टैलेंटेड है वो ज़रूर एक बार ज्वाइन कर लेना, आगे आके डिपार्टमेंट में आपको बहुत मौके मिलेंगे दोस्तों। पढ़ने वाले पूरे दिन यहाँ पढ़ते रहते हैं, और जिनको घूमना फिरना है वो घूमते फिरते रहते हैं। सबकी अलग अलग जीवन शैली है, तो अपनी जीवन शैली आराम से इन्जॉय करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।